अभिषेक कह रहे हैं खानजादी के क्लोज, बताई ईशा और अपनी लव स्टोरी। वेल, सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 17 का आगाज हो चुका है और उसके लाइव फीड में हमें देखने को मिला कि अभिषेक कुमार और खानजादी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर अभिषेक लगातार खानजादी से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो शो में ये तय करके आए हैं कि वो यहाँ पर किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे और वो अपने आप को क्या खींच रही हैं और रोकने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर खानजादी कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को किसी भी चीज के लिए रोक नहीं रही हैं, वो फ्लो के साथ जा रही हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ सोच के नहीं आई हैं कि वो शो में आएंगी और किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगी। अगर उन्हें कोई पसंद आता है तो वो इस बारे में सोच सकती हैं। जिसके बाद खानजादी अभिषेक को अपने फैमिली के बारे में भी बताती हुई नजर आई कि उनकी फैमिली जो है वो ऐसी जगह रहती है, इतने छोटे स्टेट से है और काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स सोच भी है उनकी फैमिली की, तो वो ये नहीं चाहती कि उनकी फैमिली की इमेज पर कोई भी आ जाए उनकी वजह से, और ये टीवी है और फैमिली के मेंबर्स सभी लोग ये चीजें देख रहे हैं, तो मैं ये काफी सोच समझ के चल रही हूँ कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरी फैमिली को हर्ट फील होए। अभिषेक जिसके बाद खानजादी की बात से एग्री भी करते हुए नजर आते हैं और उन्हें अपने और ईशा की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। अभिषेक भी कहते हुए नजर आते हैं कि जब से उनका ईशा से ब्रेकअप हुआ उसके बाद वो अपने आप को काफी लड़कियों के करीब जाने से रोकते हैं। उनकी जिससे भी बात होती है उनके करीब जाने से पहले अभिषेक के दिल में और दिमाग में यही ख्याल आता है कि वो वापस से वैसे ही हो जाएंगे और वापस से उनका दिल टूटेगा और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अभिषेक बताते हुए नजर आए कि ईशा की इन सारी चीजों में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अभिषेक खुद ही इतने ज्यादा पोजेसिव है और वो इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर कि कोई भी उनकी बातों को नहीं समझ सकता। जिसके बाद खानजादी कहती हुई नजर आती है कि अगर जिसके बाद अभिषेक कहते हुए नजर आते हैं कि लेकिन अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं तो आपको आपकी फैमिली को भी ये सारी चीजें समझानी होंगी। अभिषेक ये भी कहते हुए नजर आए कि उनके रिलेशनशिप जो टूटा उसमें ईशा की कोई भी गलती नहीं थी, अभिषेक खुद ही इतने ज्यादा पोजेसिव है। इस पर खानजादी कहती हुई नजर आती है कि अभिषेक को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मैच्योर हो, जो उनको सारी चीजें समझा सके, जबकि ईशा तो खुद ही काफी समझदार है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। इस पर अभिषेक कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, ईशा मुझसे 6 साल छोटी है, इसी वजह से हमारा रिलेशनशिप सही से नहीं चल पाया है। वेल, यहाँ पर अभिषेक कुमार और खानजादी जो है एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आते हुए नजर आते हैं। अभिषेक खानजादी से और भी ज्यादा बातें करने की कोशिश करते हैं लेकिन खानजादी वहाँ से चली जाती हैं। वेल, आपका इस अपडेट के बारे में क्या कुछ कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।